नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। छेड़खानी कर रहे मनचलों को युवती ने खुद पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक किया बंद। और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के वरिष्ठ अधिकारी हुए कोरोना पॉजिटिव, नगर निगम में मची हड़कंप। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। मनचलों द्वारा की जा रही छेड़खानी के बाद युवती ने अपना बचाव करते हुए मनचलों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक की है। शहर में मनचलों का दहशत जारी है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र की है, जहां शनिवार की शाम छेड़खानी मामले में गिरफ्तार एक युवक से पूछताछ के बाद रविवार को जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार बीते शनिवार की शाम नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी हाई स्कूल के समीप छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवती और उसके भाई बहन की मनचलों ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान बेल्ट वो हॉकी स्टिक से भी हमला किया गया था। वहीं देखते ही देखते युवक के समर्थन में अन्य युवक भी पहुंच गए। इसके बाद लड़की के साथ मौजूद उनकी बहनों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हल्ला हंगामा होने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। भाई बहनों की पिटाई करता देख लोगों ने युवकों को खदेड़ना चालू कर दिया। भागने के क्रम में एक युवक पकड़ा गया, उसकी लोगों ने पिटाई भी कर दी। इधर घटना की सूचना नगर पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की गई। आरोपी नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक स्थित इमामगंज का रहने वाला मोहम्मद अल्ताफ है। वहीं पीड़ित युवती लड़की लकड़ी ढाहे इलाके की रहने वाली है। घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया कि वह अपने भाई बहनों के साथ नए साल में घर से घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान आरोपी युवक कमेंट पास करने लगा, विरोध करने पर भद्दी टिप्पणी की। इसके बाद बदमाशों ने हमला कर दिया। लोग शाम को निकले हुए थे कैफे जाने के लिए। शाम के करीबन साढ़े पाँच कुछ बज रही थी और उस वक्त वहाँ से कुछ लड़के आए, 3 लड़के थे बाइक पे, और उसने मेरे को कमेंट पास किया, मेरे को छेड़ने की कोशिश की। तब जाके वहाँ पे मेरे भाई ने उसको टोका। टोकने के बाद वो आगे जाके 4 बाइक लेके और 4 लड़कों को ले आया। 4-8 लड़कों को लाने के बाद हम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। उन हम लोगों को मारने के बाद हम लोग जब अपने बचाव में उसको मारने की कोशिश किए तो वो लोग और जाके रिटर्न और 20-25 लोगों को लाए। लाने के बाद हम लोगों को लड़कियों पे हाथ उठाया गया, हॉकी स्टिक से मारा गया, बेल्ट से मारा गया। यहाँ ये बच्ची सब है, हम लोग सबको मारा गया और हम लोगों को धमकाया गया कि हम लोगों को घर से उठा देंगे, हम लोगों को किसी को यहाँ पे रहने नहीं देंगे, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग, ऐसे बोले। विवाद वो हम लोग निकले हुए थे घूमने के लिए, कैफे जा रहे थे, बस वो लोग मेरे पे कमेंट किए तो मेरे भाई ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही लड़कियों पे कमेंट करते हो। उतने बोलने पे वो लोग पीछे गए और 4 लड़कों को और लेके आ गए। आने के बाद हम लोगों को मारना शुरू कर दिया उन लोगों ने। लड़की को तो मारा, लड़कियों पे भी हाथ उठाया उन लोगों ने, गाली गलौज इतने बुरी तरीके से। इस लड़की को यहाँ पे उसने पकड़ा, इस लड़की को पकड़ के हम लोगों को घसीटा मारा। बहुत सारे लड़के आए, सबको मारे, और उसका बड़ा भाई बीच में आके बोल रहा है कि तुम लोग कौन हो, क्या हो, हम लोगों को यहाँ पे जीने नहीं देंगे। हाँ, मैक्सिमम 25-30 लोग आके हम लोगों को मारने की कोशिश की है। और हाँ, कैसे पकड़ा गया? मतलब मेरे भैया आए, मैंने भैया को फोन किया, भैया आए, उसके बाद उसके पीछे भैया भागे, प्रशासन भागी, उसके बाद जाके वो मेन कल्प्रिट नहीं पकड़ाया, उसका बड़ा भाई जो था वो पकड़ाया, जो पुलिस को गाली दे रहा और वो जो बाकी जो 2 था वो लोग भाग गए, और बाकी बहुत सारे लोग थे वो लोग सब भाग गए। आगे हम चाहते हैं कि उनको पनिशमेंट दिया जाए कि दोबारा वापस किसी की लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि यहाँ की प्रशासन अगर ढीली होगी तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम असम की रहने वाली है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको। आज मेरे साथ हुआ है, कल को दूसरी लड़की के साथ होगा। अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी और सरकारी स्कूल को कक्षा 8 से
8 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया। अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद कर दिया गया। दरअसल राज्य में राजधानी पटना के जिला प्रशासन द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया। इसके बाद कई जिलों में जिला प्रशासन द्वारा स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया। ठंड में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिल रही है, ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। यह आदेश 8 जनवरी तक लागू होगा या तत्काल प्रभाव से लागू है। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार मोहल्ले में शनिवार को एक छात्र ने अपने ही जन्मदिन पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। शहर इलाके में एक इंटर के छात्र ने अपने जन्मदिन पर ही शनिवार की शाम सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। घटना नगर थाना इलाके के नई बाजार स्थित तेली टोली की है। मृतक की पहचान उसी मोहल्ले के संतोष शाह का 18 वर्षीय पुत्र अमित कुमार सोनी उर्फ लड्डू के रूप में हुई है। लड्डू आज अपना 18वां जन्मदिन मनाने के लिए पिता से 1,000 रुपये का डिमांड किया था। नहीं देने पर उसने अपने कमरे में जाकर पंखे से कड़ी में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद मां सुनीता देवी और पिता संतोष शाह का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंचे नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक की मां सुनीता देवी ने बताया कि पिता के द्वारा लगातार उसे और उसके बेटे को टॉर्चर किया जाता था। आज उसका जन्मदिन था जिस पर उसने पार्टी मनाने के लिए मात्र 1,000 रुपये का डिमांड किया, लेकिन उसके पिता ने उसे पैसा नहीं दिया और डांटकर भगा दिया, जिससे वह आहत होकर खुदकुशी कर ले। फिलहाल नगर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। करने की सूचना है, ले जा रहे हैं। नहीं जाए। कहना है कि देहात गरम है, अस्पताल ले जा रहे हैं। गरम है लड़का। उत्तर भारत समेत जिले में भी शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। धूप पर स्मॉग का पहरा लग रहा है। ऐसे में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। रविवार की सुबह निकली धूप की रोशनी की गर्माहट तेज हवा के झोंकों ने आम लोगों को कपने कपाने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार यह सिलसिला फिलहाल जारी रहने वाला है। पूरी जनवरी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तापमान में आई गिरावट और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने ठंडक को बढ़ा दी है। ठंड के कारण शाम होते ही बाजारों में सन्नाटा पसर गया। नगर आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश पर पार्षदों की नाराजगी दिखने लगी है। कुछ पार्षदों ने इसे तुगलकी फरमान बताया। आगामी 4 जनवरी को प्रस्तावित नगर निगम बोर्ड की बैठक में एक बार फिर से नगर आयुक्त के द्वारा दिए गए एक आदेश के बाद कुछ वार्ड पार्षदों में नाराजगी दिखाई पड़ने लगी है। कुछ वार्ड पार्षदों के द्वारा उनके नए आदेश को तुगलकी फरमान बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ पार्षदों ने इसे एक अच्छी पहल बताई है। वार्ड 38 की पार्षद शवाना परवीन ने नगर आयुक्त के आदेश के बाद बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया। आयुक्त का मैं विरोध करती हूँ। बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने मतलब पार्षदों को मना किया है कि अपना मुद्दा नहीं रखे। जनता के बीच में जो सवाल है वो हम बोर्ड की मीटिंग में नहीं करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने मना किया गया है कि आप सवाल नहीं कीजिएगा बोर्ड की मीटिंग में। हर पार्षद आखिर मतलब अपना मुद्दा रखने के लिए किसके पास जाएगा? हर पार्षदों को हक होता है कि अपना अपना सवाल वो बोर्ड की मीटिंग में रखे। और मैं अपील करना चाहती हूँ कि मैं अपील करना चाहती हूँ कि मेयर और डिप्टी मेयर भी इस बारे में कोई मतलब ये नहीं किए हैं, कोई इसका सवाल नहीं उठाया है। और मैं नगर इसे मेयर और डिप्टी मेयर से मैं विरोध करती हूँ कि वो है ना नगर आयुक्त के खिलाफ इसका कार्रवाई करवाएं। और वोट की मीटिंग में 4 तारीख को मैं नहीं जाऊंगी। वहीं वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने नगर आयुक्त के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि नगर आयुक्त ने पार्षदों को उनकी ताकत का एहसास करवाया है। पार्षदों के द्वारा तुगलकी बयान कहा जा रहा है, हकीकत में इसको समझने की जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान में 3 ही बोर्ड माने जाते हैं। अगर भारत देश के स्तर पे देखेगा तो एक लोकसभा, राज्य स्तर पे देखेगा तो विधानसभा, और नगर निकाय में नगर निगम बोर्ड
ये तीन ही को मान्यता दी गई है बोर्ड गठन की। अब जहां तक सवाल है कि मैं संदीप जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और मंत्री शिकायत करेगा चीफ सेक्रेटरी से, ये अजीब विडंबना है। धारा 57 नगर निगम नियमावली के तहत निगम चलता है, स्पष्ट रूप से मेयर इसके जो है मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर जो हुए वो जैसे उस मंत्रिमंडल के हेड हुए, और अस्थाई समिति के सदस्य जो होते हैं वो मंत्री कहलाते हैं, तो सरकार उनकी है। प्रश्न सरकार से पूछा जाएगा कि प्रश्न नगर आयुक्त से पूछा जाएगा, ये समझने की जरूरत है। अस्थाई समिति के सदस्य और मुख्यमंत्री जस्ट लाइक महापौर, इनको हमारे प्रश्नों का जवाब देना है, और अगर कोई काम हम इनसे पूछते हैं तो इनको जो है नगर आयुक्त से और जितने विभाग के पदाधिकारी हैं निगम में, जितने भी विभाग बटे हुए हैं उनसे काम कराना इनकी जवाबदेही है। मुजफ्फरपुर 2002 से जब से नगर निकाय बना, मुजफ्फरपुर एक अजीब टाइप का, समझिए कि अजूबा चीज है, कहने को स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस बॉडी, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक स्थिति ये बनी कि अस्थाई समिति के सदस्य भी नगर आयुक्त से पूछ रहे हैं, मेयर भी नगर आयुक्त से पूछ रहे हैं। हम तो समझते हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे 4.5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद मुझे भी उस धारा का ज्ञान हुआ। मैं महापौर से पूछूंगा ना, मंत्रिमंडल से पूछूंगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ। हाँ, उनका काम है कि वो अपने चैम्बर में बुला के नगर आयुक्त से कहें कि इस काम को आप कब तक करा रहे हैं, और तब सदन में वो जवाब दें, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सिस्टम होता है। समरणालय परिसर में जन संघर्ष समिति के बैनर तले 17 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाए जाने के फैसले का विरोध किया। ग्रेटर मुजफ्फरपुर के तहत शामिल किए गए 17 पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने जन संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को समरणालय परिसर में बैठक कर कैबिनेट के इस फैसले को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए निर्णय लिया। आगामी 4 जनवरी को इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, इस आदेश को रद्द करने की मांग की जाएगी। बैठक में शामिल सदस्यों ने बताया कि नीतीश कैबिनेट के इस निर्णय के तहत जिन पंचायतों को और नगर निगम में शामिल किया जा रहा है उससे पहले नगर निगम में पूर्व में शामिल एक वार्ड निरीक्षण कर लिया जाता तो बेहतर होता। निगम में शामिल सभी वार्ड हालात पहले से खराब है, ऐसी स्थिति में जहां 49 वार्ड निगम से संभाला नहीं जा रहा वहीं 72 वार्डों का जिम्मा कहां से जायज है। आगामी 4 जनवरी को जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कोर्ट के सर में जाने को मजबूर हो जाएंगे। मांग हम लोगों का जो विस्तारीकरण नगर निगम का 16-17 पंचायत अब हो गया, तो 17 पंचायत को विस्तारीकरण को निरस्त करने का मांग है, क्योंकि निरस्त जो पंचायत का एरिया है वो नगर निगम के जाने के क्राइटेरिया में नहीं आता है। बिना छानबीन किए हुए नगर निगम का प्रस्ताव दिया गया है और ये गलत है। इसके बाद भी जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं सबका शपथ ग्रहण भी हो गया, इसके पहले भी विस्तारीकरण हुआ था, नगर पंचायत का गठन हुआ था, इलेक्शन के पहले उसका नोटिफिकेशन किया गया, हम लोगों का क्यों नहीं इसके पहले किया गया, सबको इलेक्शन लड़ा के, या जब इलेक्शन में जब उनका किसी का आदमी इस तरह का मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन के तहत किया गया है। क्या मांग कर रहे हैं कि इसको निरस्त करने का, क्या रणनीति तय की है? रणनीति हम लोग तय किए हैं कि 4 तारीख को इसका जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देंगे, और अगर इस तरह का ज्ञापन में जिलाधिकारी से हम लोगों को कुछ राहत नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन जो शहर विस्तारीकरण किया है हम लोग इसके खिलाफ हैं। जो 16-17 पंचायत लिया गया है वो उसका बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है, वहाँ किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, 70-80% आबादी वहाँ खेती का है, लीची का पेड़ है, बगान है, वहाँ के लोग किसानी मजदूरी करते हैं, पशुपालन
का काम करते हैं और सिर्फ सिर्फ ये जो है टैक्स थोपने के उद्देश्य से जो है ये नगर निगम में शामिल किया गया है। ये जो 49 वार्ड है इनका, इनसे तो संभलवे नहीं करता है। ये जो शहर का हृदय स्थली है कल्याणी ए मोती झील, इस सब में पानी जो है से घर का नाला में, नाला का घर में, इनका जल जमाव से तो मुक्ति शहर को ही दिलाइए नहीं रहे हैं। आई पंचायत को शामिल कर लिए, जहां का ये जो किसान और मजदूर है उस पर ही टैक्स ला देंगे, सिर्फ टैक्स इनको चाहिए। हम लोग इसका खिलाफत करते हैं, इससे आम जनता में भारी आक्रोश है। और जब तक ये शहर विस्तारीकरण का जो प्रस्ताव है वापस नहीं होता है, चरणबद्ध तरीके से हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। फर्स्ट फेज में 4 जनवरी को समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, पंच, पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख, तमाम लोग शामिल होंगे और प्रबुद्ध नागरिक, किसान, मजदूर, सभी लोगों की व्यापक भागीदारी होगी। और हम लोग एकजुट है सभी लोग इस मुद्दे पर, और सभी लोग इसका खिलाफत करते हैं। और जब तक ये सरकार इसको वापस नहीं लेगी तो हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चल करके चरणबद्ध आंदोलन को तेज करेंगे। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहर वासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए, जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दे। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम देते रहते हैं अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में। त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनेंस करती है, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनेंस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनेंस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर यह सुविधा अभी भी नहीं है, ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे नगर निगम में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे नगर निगम में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व इस अधिकारी के द्वारा स्मार्ट सिटी की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नगर निगम के सारे बड़े अधिकारी और मेयर शामिल हुए थे। अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव के बाद अब नगर निगम के सभी कर्मियों का रैंडम कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। फिलहाल अभी सभी को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर के सिविल डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि मुजफ्फरपुर में 27 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट जल्द ही कराया जाएगा। फिलहाल अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही निगम काफ़ी दहशत में है। इसे लेकर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैथुर ने तत्काल कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का आदेश दिया। इसके बाद छिड़काव कर्मियों को एक दल के द्वारा समरणालय जूरन छपरा कंबाइन बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। छिड़काव कर रहे कर्मियों ने बताया कि नगर आयुक्त के आदेश पर संक्रमित क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो नगर निगम कार्यालय, डीएम कार्यालय, उसके बाद कंबाइन बिल्डिंग, उसके बाद रोड नंबर जूरन छपरा रोड नंबर 1, 2, 3, 4 में अभी करना है। आज से शुरुआत किया गया है? जी, आज से ही शुरुआत किया गया है। क्या मतलब आदेश में क्या कहा गया है? कोरोना के मामले बढ़ने के कारण जी कंबाइंड बिल्डिंग को लेकर कुछ विशेष दिया गया है? जी वहाँ पे शायद कोई किन्हीं को कोरोना पॉजिटिव निकला है, इसी कारण वहाँ भी जाना है। नए साल में शहर की ट्रैफिक पुलिस स्मार्ट दिखने जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा ड्यूटी पर तैनात जवानों को बॉडी वार्म कैमरा से लैस कर दिया गया।
नए साल की शुरुआत होते ही शहर की ट्रैफिक पुलिस भी नए रूप में नजर आएगी। जिला ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी वॉर्न कैमरा से लैस होगी। ट्रैफिक पुलिस के जवान बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ ड्यूटी करना शुरू कर देंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यालय से 4 बॉडी वॉर्न कैमरा दिया गया है। इसकी मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जुर्माना से नहीं बच पाएंगे। बॉडी पर कैमरा होने से ड्यूटी पर तैनात जवान द्वारा चालान काटने के दौरान होने वाले लेन देन पर ब्रेक लगेगा। आपको बता दें कि स्मार्ट पुलिसिंग के तहत जिले को 4 बॉडी वॉर्न कैमरे व 4 स्पीड रडार गन दिया गया है। कैमरे के जरिए वाहन चालकों पर नजर रखी जाने लगी है। बॉडी वॉर्न कैमरों में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और वाहन चालक की हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग हो सकेगी। ये कैमरे मिलने से यातायात पुलिसकर्मियों को सहायता मिलेगी। वहीं यातायात अधिकारियों को अपने जवान पर पैनी नजर रखने में काफ़ी सहूलियत होगी। किसी ने अभद्रता की तो पूरी फुटेज कैमरे में कैद हो जाएगी। इसके आधार पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि फिलहाल कैमरे में 64 GB स्टोरेज दिया गया है। बाद में इसे कंट्रोल रूम अर्थात इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। तब कार्यालय में बैठे बैठे अधिकारी भी सभी चौक चौराहों और वहां तैनात जवानों पर नजर रख सकेंगे। हमारा 4 बॉडी वॉर्न कैमरा मिला है, वो टावर पर, इमली चट्टी, बस स्टैंड, ऐसे विभिन्न जगहों पर अफसर को तैनात कर दिया गया। उसके साथ वो गतिविधि उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। ओरिएंट क्लब स्थित निजी आवास पर पटेल सेवा संघ द्वारा कार्य समिति की अहम बैठक की गई। रविवार को पटेल सेवा संघ बिहार की ओर से सह संयोजक राकेश कुमार सिंह के ओरिएंट क्लब स्थित निवास स्थान पर कार्य समिति का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से भाजपा नेता राकेश पटेल को जिला युवा पटेल सेवा संघ का जिला संयोजक मनोनीत किया गया। साथ ही 16 प्रखंडों में संगठन के विस्तार के लिए चर्चा हुई। बैठक में जिला संयोजक विनोद सिंह पटेल, सह संयोजक संतोष पटेल, अरुण कुमार सिंह सहित संघ के सभी सदस्य मौजूद रहे। जिला पटेल सेवा संघ की जो है कार्यकारिणी की बैठक थी। इस बैठक में हम लोगों ने प्रस्ताव लिया कि पटेल सेवा संघ को विस्तार करने के लिए युवा विंग को मजबूत किया जाए। इसलिए युवा प्रकोष्ठ का गठन करने के लिए आज हम नाम प्रस्तावित किए हैं सर्वसम्मति से। राकेश पटेल, भाजपा नेता राकेश पटेल जी हमारे जिला के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होंगे, संयोजक होंगे और इनके द्वारा संगठन को युवाओं को जोड़ा जाएगा 16 प्रखंड में और 49 वार्ड में, और संगठन को मजबूती के लिए ये काम करेंगे। इन्होंने सारे लोगों के सामने वचन भी दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इनके आने से पटेल सेवा संघ मजबूत होगा और सक्रिय सदस्य जो बनेंगे, हम पूरे 16 प्रखंड और 49 वार्ड में हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि मिनिमम 2000 सक्रिय सदस्य बनाएंगे। मनियारी कोठी के प्रांगण में प्रसिद्ध रंगकर्मी सफदर हाशमी की पुण्यतिथि पर रंगकर्मियों ने नुक्कड़ नाटक कर श्रद्धांजलि दी। प्रसिद्ध रंगकर्मी सफदर हाशमी की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को हरिसभा चौक स्थित मनियारी कोठी के प्रांगण में नुक्कड़ नाटकों के द्वारा सफदर हाशमी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सफदर सांस्कृतिक मंच के सदस्यों ने बताया कि 2 फरवरी 1989 को सफदर हाशमी की हत्या उनके एक नाटक हल्ला बोल के दौरान कर दी गई थी, जिसे लेकर हर वर्ष सफदर सांस्कृतिक जमघट के द्वारा उनकी याद में नाटकों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 1989 में सफदर हाशमी की हत्या उनके हल्ला बोल नाटक करते समय सहिवाबाद गंगापुर में मजदूरों के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इलाके में मजदूरों के समस्या पर नाटक करते हुए गुंडा तत्वों ने, पूंजीवादी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने उनको मार डाला और वे 2 तारीख को उनकी मृत्यु इलाज के दौरान हो गई। उनके साथ एक मजदूर राम बहादुर मजदूर भी मारा गया और इस तरह से उसके बाद से हर एक वर्ष उनकी शहादत दिवस पूरे देश के कलाकार, रंगकर्मी, साहित्यकार, नाटककार मनाते आ रहे हैं और उनके हत्या के बाद उनके शव यात्रा में बहुत से देश पैमाने पर बहुत से प्रसिद्ध बड़े बड़े प्रसिद्ध कलाकार, रंगकर्मी, साहित्यकार, यहाँ तक शबाना आज़मी,
अमिताभ बच्चन आज क्या किया था? और आज जो है फिर 2 जनवरी आज है उनका शहादत दिवस है। उस मौके पर मुजफ्फरपुर के विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा यह आयोजन किया गया है और हर एक साल की भांति किया गया है। पक्की सराय स्थित मस्जिद में अनीस बानो की मजलिस बरसी का आयोजन किया गया। पक्की सराय स्थित कारर साहब की मस्जिद में रविवार को मरहुमा अनीस बानो की मजलिस बरसी का आयोजन हुआ, जिसमें ईरान से आए मौलाना नुसरत जाफरी ने कहा कि रसूल इस्लाम ने आपसी एकता का पैगाम दिया। उन्होंने दिन ए इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है जो पूरी दुनिया को बराबरी का पैगाम देता है। मजलिस के अंत में मौलाना ने देश से ओमिक्रॉन वेरिएंट के खात्मे की निजात की दुआ कराई। अभी मैं मरहूमा की मजलिस पढ़ने के लिए मुजफ्फरपुर पक्की सराय आया हुआ हूँ और ये अय्याम फातमिया अय्याम मुसीबत है। वो इस सिलसिले में तमाम मुसलमानों को दावत फिक्र दे रहा हूँ कि रसूल की आखिरी बेटी थी जो इकलौती बेटी थी और इनके ऊपर बहुत मजालिम और बहुत मसायब हुए। बीवी ने बहुत सब्र किया लेकिन पैगाम ये दिया कि कभी अपनी जात से किसी को सताया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया और कभी भी किसी तारीख में ये नहीं मिलता है कि जनाब जहरा की जात से किसी को तकलीफ हुई हो। लेकिन इतने मसायब हुए और मुसलमानों ने गौर नहीं किया कि आखिर हजरत रसूल मुकर्रम की इकलौती बेटी पर। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज टीम को। नमस्कार।